तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आए भोरा बाईपास भाई। भोरा बाईपास की स्थिति आपको बता दूं, ट्रैफिक कर दिया गया चालू भाई, दो दिन हो गया। ये देख सकते हैं आप, हैवी व्हीकल ट्रैफिक चालू कर दिया गया है। सब गाड़ियाँ अभी बाईपास से होकर आ रही है, जो नागपुर से भोपाल, भोपाल से नागपुर जानी है। बाकी सिर्फ जो रही भोरा सिटी की बात, वहाँ पर सिर्फ वही जिसको कोई काम रहता है या बस, ज़्यादा से क्योंकि बस स्टैंड अंदर ही है भोरा के, तो बस वगैरह ही अभी अंदर जा रही है। बाकी सब गाड़ियाँ बाईपास से होकर निकल रही है, देख सकते हैं आप। तो भाई हैवी व्हीकल गाड़ियों के लिए, जो ट्रांसपोर्टल गाड़ियाँ हैं उनके लिए कुछ खबरी है भाई। जो सिटी में उनको आधा घंटा लगता था कम से कम, अगर सिटी में घुसते थे, रोड भी ख़राब था थोड़ा, रोड सिंगल रोड था, तो अभी यहाँ से सिर्फ उनको लगते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा तीन से चार मिनट बाईपास क्लियर करने में। तो भाई ट्रैफिक हो चुका है चालू, ये ड्राइवर भाइयों के लिए ज़्यादा खुशखबरी की बात है भाई। बाकी ये रहा भाई बैतूल एंड है, ये साइड से आपको वीडियो ला रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ टारसी एंड, वो साइड से भी दिखाऊंगा, जिधर से हमने वो साइड से छोड़ा है ट्रैफिक, उधर भी कटिंग चालू है भाई, इधर भी कटिंग चालू है। अब यहाँ पे डे नाइट काम चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने को जंक्शन बनाने हैं, ताकि जो जो भी भोरा सिटी के अंदर जो गाड़ियाँ जा रही है उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो हमने टेम्परेली जो डाइवर्शन दे रखे है दोनों साइड से, लेकिन फिर भी जितना हो सके LHS अपने को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये दो डे नाइट मान के चले, 3 से 4 दिन का और काम बचा है अपने पास भोरा बाईपास का। फिर दोनों अपना वन वे, अपना RHS LHS दोनों ही चालू हो जाएंगे अपने। सो अभी लेके चलता हूँ आपको मैं कटारसी एंड पे, वहाँ से दिखाता हूँ आपको जो हमने ट्रैफिक छोड़ा और काम चालू है जो हमारा। तो भाई चलते हैं अभी इटारसी एंड पे, चलते चलते आपको झलक भी दिखा दूंगा बाईपास की। ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहा भाई भोरा, यहाँ पे बनेगा भोरा का जंक्शन भाई, ये साइड से यहाँ पे बनेगा भाई जंक्शन, और वो साइड से भी दिखाऊंगा आपको मैं जहाँ जंक्शन बनेगा। फिलहाल ने टेम्परेली रोड तो निकाल दिया है, ताकि जो अपनी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये साइड से देख सकते हैं आप। तो अभी चलिए, तो आपको फिर बाईपास की अभी थोड़ी रिव्यू दिखा दें। ये देखिए 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 कितनी गंदी ड्राइविंग कर रहे, देखिए भाई यही चीज की वजह से भाई अपने जो एक्सीडेंट होते हैं, यही चीज है बस। एक 4 लेन हाईवे है, उस पर रोड पे गाड़ी घुमा रहा है भाई, क्या बोलने को। अभी सिंगल रोड चालू है अभी यहाँ का, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों साइड तो कटिंग चालू ही थी अभी, बहुत कटिंग करना पड़ा भाई अपने को यहाँ पे। देखिए आप, कम से कम 30-30 फीट कटिंग है यहाँ पे करके हमने जो रोड पार किए यहाँ से, और आगे भी आपको दिखाता हूँ बहुत हैवी कटिंग हुआ है। तो देखिए भाई चलते चलते आपको बता दूं मैं, ये हैवी कटिंग हुआ है, ये दोनों अंडरपास है, ये तो विलेज अंडरपास है भाई, यहाँ पे तो गांव वाले के लिए बनाया गया है जो सामने देख रहे हैं आप। तो इसके आगे वाला है जो, वो हरदा चिचोली के लिए जो रोड गया भाई, वो रोड है ये, ये देख सकते हैं आप ऊपर से। इसके नीचे से जो मेन 4 लेन हाईवे अपना नीचे से गया, ये दोनों साइड देखिए कितना कटिंग हुआ भाई। यहाँ पे तो पूरा क्लियर है, बीच में सिर्फ एंड LHS के मिलाने बाकी है, बाकी रोड पूरा कंप्लीट है, नालियां भी बन चुकी है भाई। ये देखिए हरदा चिचोली के जो रोड गया ऊपर से निकला है भाई, वो ये देखिए नालियां बन रही है, नालियां कंप्लीट हो चुकी है ये साइड की, तो ये साइड बन रही है अभी। सो रोड यहाँ से तो दोनों साइड चालू है, कुछ ट्रैफिक उधर से भी आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है। तो कटिंग देखिए भाई कितना हैवी कटिंग करना पड़ा है यहाँ पे, इसलिए इसको टाइम लग गया भाई ज्यादा थोड़ा, क्योंकि कटिंग ज्यादा था और बीच में हार्ड पोर्शन भी आ रहा था, तो ब्लास्टिंग यहाँ पे कर नहीं सकते थे, जिसके चलते अपने को सिर्फ ब्रेकर से ही निकालना पड़ा, उसके चलते अपने को टाइम बहुत लग गया। तो अभी अपना एंड आने वाला है टारसी एंड भाई, अभी देखिए मैं आपको वीडियो में दिखाया है, ज्यादा लंबा नहीं है, कम से कम अभी मेरी गाड़ी को ही 2 मिनट लगते हैं, तो हैवी गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लग जाएंगे। छोटी गाड़ी को 2 मिनट लगते हैं, तो बड़ी गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे। ये रहा रोड, अभी आपको एंड दिखाता हूँ भाई। सो भाई देखिए ये आ गया अपना इटारसी एंड, बाकी अभी गाड़ी खड़ा करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो भाई ये रहा अपना इटारसी एंड, जहाँ पे अपना कटिंग चालू है। सो ट्रैफिक वो साइड से बंद कर दिया गया, और ये साइड से भी आपको दिखाता हूँ बोर्ड, दोनों साइड बोर्ड लगा के। ये रहा भाई अपना जो भोरा को जंक्शन दिया, टेम्परेली जंक्शन है जो,
क्योंकि उसके बाद तो जंक्शन तो इसका आगे बनेगा, लेकिन ये एमरजेंसी के लिए जो जो भी गाड़ी जाती है, छोटी गाड़ी या बस वगैरह जो लोकल यहाँ भोरा वाले वासी है, तो उनके लिए अभी यहाँ तो एक डाइवर्जन का बोर्ड तो लगा दिया, अभी बस सेफ्टी अरेंजमेंट कर रहे हैं भाई। यहाँ पे पट्टी लगेगी, अभी तो फिलहाल तो मिट्टी लगा दी गई है, उसके बाद सेफ्टी पट्टी लगेंगी और बोर्ड लगेंगे, यहाँ पे रेडियम लगेगा काफ़ी, जिसके चलते यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको ऊपर से दिखाता हूँ भाई मैं। तो भाई ये देखिए ऊपर से व्यू, नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है। तो ये रहा भाई भोरा बाईपास, नागवट टू भोपाल हाईवे, इटारसी टू बैतूल के बीच में जो भी पोर्शन बचा है। तो देखिए भाई आगे मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, जो बोर्ड लगाए हमने सेफ्टी वाले, कौन से बोर्ड लगाए, ये ऐसा ही भोरा साइड में भी लगेंगे भाई, ये अपना जो भोरा से ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए। तो ये रहा भाई भोरा बैतूल का बोर्ड, रिडीम के साथ भी पट्टी पूरी मार दी गई है, टेक डाइवर्जन के बोर्ड लगा दिए, वर्क इन प्रोग्रेस का भी बोर्ड लगा दिया गया है, और सिग्नल देखिए अब सिग्नल लाइट भी लगा दिया गया भाई, इससे रात में कोई परेशानी नहीं आएगी, सिग्नल लाइट का बड़ा फायदा होता भाई। तो ऐसा ही अरेंजमेंट भोरा साइड में, वो साइड में भी होगा भाई। अभी अपना जो सेफ्टी इंचार्ज पाल सिंह सामान लाने गया, जो उसका पट्टी वगैरह जो भी है वहाँ पर भी लगा दिया जाएगा, और ऐसे ही बोर्ड ये गो स्लो के देख सकते हैं आप, पूरी लाइन में आगे तक बोर्ड लगा दिए गए गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस और स्पीड के, स्पीड लिमिट 30 या 20 जो भी है स्पीड लिमिट रहेगी यहाँ पे, ऐसा टेक डाइवर्जन के बोर्ड लग गए हैं। सो भाई अभी वीडियो को करेंगे यहीं पे क्लोज। तो ये रहा नागवट से भोपाल हाईवे इटारसी और बैतूल के बीच का जो भी पोर्शन था, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं ऐसी आपसे कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।